बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने आज पूर्णिया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपनी राजनीति को सीमांचल में बढ़ाने को लेकर चर्चा की। मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार में बर्ड फ्लू नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कुछ मामला सामने आया था जिसकी जांच लैब में कराई जा रही है, जिसके रिपोर्ट का इंतज़ार है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रशासन मुस्तैद है और बिहार में बर्ड फ्लू नहीं फैले, इसको लेकर तैयारी पूरी है। किया हुआ है, बिहार में ऐसी कोई अभी तक कोई केस हमारे सामने में नहीं आया। हाँ, दूसरे प्रदेश में इसे जानकारी हमें प्राप्त है, लेकिन बिहार में सरकार और पूरा हमारा विभाग इस पे अलर्ट है और बिहार में ऐसे कहीं पे भी कुछ देखा जा रहा है और कुछ ऐसा हमको आशंका होता है सामने आई नहीं, उस पे मतलब रेगुलर है, वो टेस्टिंग के लिए उनका लैब में हम लोग भेजे हैं, लेकिन अभी उसका पूरा रिपोर्ट हमें अभी जानकारी प्राप्त नहीं, क्योंकि दो रोज से बाहर ही भी हैं। तो हमारे पूरा प्रशासन चौकन्ना है, कहीं पे भी ऐसा होगा तो उसको निपटने के लिए पूरी तैयारी में है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मछली पालन के लिए चौर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसमें सरकारी अनुदान का भी प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट के आने से बिहार मछली के क्षेत्रों में बड़ा उत्पादक राज्य बन जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बिहार में NDA के नेतृत्व में विकास हो रहा है और कहीं कोई विरोध नहीं है। सरकार दे तो उस दिशा में हम लोग काम करें, तो इसलिए हम मत्स्य विभाग में भी बहुत सारे साथी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चौर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें कोई भी जो डेड मतलब लैंड है जिसमें खेती नहीं हो पाता है, 12 महीना उस वहाँ पर पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे लैंड को लीज पर लेकर उसमें हम लोग मछुआरा के लिए मछली के लिए वो तालाब बनाया जा सकता है, जिसपे सरकार की तरफ से बड़ी राशि उनको सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। तो ये सारे चीज़ को लेके हम लोग घूम रहे हैं और ये सब रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, ताकि बिहार के 20 लाख लोगों को रोज़गार मिल सके, उसके लिए उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं।